40 डिग्री की गर्मी और तपतपाती गर्मी को ठंडक पहुंचाने के लिए सिख भाइयों ने रादौर के अंदर जो है किस तरीके से मीठे पानी का जो है लंगर, मीठे पानी की छबील जो है वो लगाई है। लगातार आप देख सकते तस्वीरों में किस तरीके से लोगों को जो है मीठे पानी का जो है लंगर दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि किस तरीके से गर्मी जो है प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और रास्ते में कई बार गला सूख जाता है और हमें पानी की प्यास लगती है। ऐसे में जो है लगातार छबील जो है ये चलाई जा रही है रादौर के मेन हाईवे के अंदर और लगातार तस्वीरें आप देख सकते गाड़ियों को रोक रोक के जो है छबील पिलाई जा रही है, पानी पिलाया जा रहा है और लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गाड़ी वाले खुद रोक रोक कर जो है वो पानी मांग रहे हैं। लगातार तस्वीरें हैं, दोनों साइड जो है काफ़ी लंबा लंबा जो है जाम लग चुका है। तस्वीरें हैं रादौर से, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानना पाजी क्या मकसद है, किन किसने किस लिए लगाई है, क्या कुछ खास प्रोग्राम है? तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, छत्तीस बरादरी जिंदाबाद। ये जो छबील का मीठा पानी लंगर लगाया गया है, ये गुरु जी का लंगर लगाया गया है। आप देख रहे हो आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, गर्मी की वजह से कुछ ऐसे भाई हैं जिनको पानी की सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही। ये गुरु का लंगर लगा के हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आजकल छत्तीस बरादरी सिख समाज को बहुत बुरा उल्टा सीधा बोला जा रहा है, तो ये जो संदेश है ये छत्तीस बरादरी को जाता है और जो शरारती तत्व हैं जो सिख बरादरी को बोल रहे हैं तो ये उनके लिए संदेश है। ये जो जल सेवा हो रही है यहाँ पे कोई सिख समाज नहीं, यहाँ पे छत्तीस बरादरी की सेवा हो रही जा रही है। आप देख सकते हो वहाँ पे छत्तीस भाईचारा लगे हुए हैं सेवा करने, सुबह से लेकर शाम तक ये लंगर चलेगा। तो मैं आपको वह संदेश बताना देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप जैसे भाइयों का और एचआर कत्तर का, न्यूज पेपर का, जिन्होंने आके हमारे यहाँ पे सहयोग दिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे इन्होंने छत्तीस बरादरी का नाम लिया, ये खाली एक सिखों भाइयों का नहीं है, सभी भाईचारा है इसके। भाई जी देखो जी, जो भाई ने कहा एकदम सही कहा, सभी बरादरियों को है ना मिल के ही रहना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा जी अपना। ठीक है जी, बहुत गर्मी में पानी पिला के ठंडक पहुंचाई जो जो भाई इतना फोन कर रहे बहुत अच्छी बात है जी, वो करना चाहिए, हम अभी करना चाहिए जी, मान लिया हम भी साथ लग रहे। ठीक है जी, जो कर रहे बहुत अच्छा, बहुत 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 बढ़िया कर रहे जी गर्मी के टाइम में जी। तो लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गाड़ी वाले तपती गर्मी के अंदर किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं और ठंडा पानी अगर मिल जाए तो क्या बात है। लगातार तस्वीरें हैं, ज्यादा ज्यादा आप जाएंगे इस खबर को शेयर करते रहिए। छबील तो हमने बहुत देखी है, इस महीने में अक्सर देखने को मिलता है कि जगह जगह पर छबील का आयोजन किया जाता है, छबील पिलाई जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने विशाल छबील लगाई जा रही है। एक छबील वो होती है कि जिनको प्यास लगी होती है, जिनको जरूरत होती है, वो रुक कर छबील में जाकर मीठा पानी पीते हैं, ताजगी महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर नज़ारा कुछ हटकर है। आने जाने वाले सभी लोग यहाँ पर, ट्रक, कार, बस, सभी लोग यहाँ पर छबील उनको सामने से जाकर पिलाई जा रही है। जो बस है, बस में से अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो रुक कर छबील नहीं पी सकते, लेकिन यहाँ पर खुद बसों की खिड़कियों से ना छबील के ठंडे पानी के, मीठे पानी के गिलास उन्हें पकड़ाए जा रहे हैं। किस तरह से हमें विशाल छबील का आयोजन देख सकते हैं आप यहाँ पर, किस तरह से विशाल छबील का आयोजन किया जा रहा है। जुलाई के मौसम में तपती गर्मी में 40 डिग्री के टेम्परेचर में छबील तो हमें जगह जगह इस वक्त देखने को मिलेंगे, रास्ते में कई जगह हमें छबील देखने को नजर आती है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से एक विशाल छबील का आयोजन किया गया है आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं, क्योंकि जो चलती बसें हैं उसमें से पैसेंजर्स उतरकर छबील से ठंडा पानी नहीं पी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बसों की खिड़कियों से खुद उन्हें मीठे पानी के गिलास पकड़ाए जा रहे हैं। आते जाते सभी को जाम यहाँ पर लग गया है, लेकिन सभी की सेवा एक तरह से की जा रही है। किस तरह से हो रहा है जाम यहाँ पर लग गया, आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ पर जाम लग गया, क्योंकि सभी को, आने जाने वाले सभी यात्रियों को, सभी पैसेंजर्स को यहाँ पर रुक कर छबील पिलाई जा रही है। साथ ही यहाँ पर प्रसादा भी दिया जा रहा है, हलवा चने का सब कुछ यहाँ पर खिलाया भी जा रहा है। इनको ही नहीं, दूर दूर तक ट्रक, बस, कार, बाइक, साइकिल, यहाँ तक के पैदल चलने वाले यात्रियों को भी, सभी को यहाँ पर खिलाया जा रहा है। इस तपती गर्मी में यदि किसी को इतनी सेवा मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे एचआर 71 में। तस्वीरें आप देख रहे हैं रादौर से, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आपने छबील तो इस तरीके की नहीं देखी होगी। किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बारी, काफी हाईवे है और हाईवे को काफी देर के लिए रोक दिया गया और पूरा हर एक आदमी जो है यहाँ से मीठा पानी का जो जल है वो लेकर जा रहा है। आप देख सकते राहगीर भी है, कहीं ना कहीं ठंडक पहुँचती है, ठंडा पानी पीने से मन को शांति मिलती है और लोगों से भी जान लेंगे। आप देख सकते हैं कि
कैसा अनुभव हो रहा है इस गर्मी के अंदर एक ठंडा पानी मिल जाए, डिग्री बहुत बड़ी? अच्छा महसूस हो रहा है जी, बहुत बढ़िया जो इन्होंने भाइयों ने कर रखा है, बहुत अच्छा कर रखा है। गर्मी बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी ज्यादा है जी, बहुत पानी मिल जाए तो अंदर संतुष्टि हो, बहुत बहुत संतुष्टि हो गई। लगातार आप देख सकते हैं कि राहगीर जो है लगातार दूर दूर से आ रहे हैं और जा रहे हैं, प्रसाद भी है साथ में, आप देख सकते हैं हलवा और चने का प्रसाद है वो यहाँ पर साथ में दिया जा रहा है ताकि पूरा का पूरा जो है एक सेटिस्फेक्शन हो गर्मी के अंदर। ऐसी और कवरेज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा, देखते रहिए अच्छा 71। चटपटे मसालों से प्यार का जादू चलाकर अपनों में खुशियाँ बिखेरे, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी गुरुजी नमकीन, आपके हर स्वाद के लिए गुरुजी भुजिया एंड मिक्सचर नमकीन, सॉल्टेड पीनट्स मूंग दाल जैसी हर बेहतरीन टेस्ट नमकीन है गुरुजी नमकीन, घर घर है गुरुजी नमकीन, गुरुजी नमकीन स्वाद अपने देश का।